नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और हम इस वक्त मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सियासी तापमान अब धीरे धीरे चरम पर पहुंचता जा रहा है, चुनावी माहौल अब नजर आने लगा है और चित्तौड़गढ़ में अब मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। कांग्रेस बीजेपी तो है ही, लेकिन यहाँ निर्दलीय जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरकर अब इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, चंद्रमान सिंह आक्या। और हम आपको नज़ारा दिखाते हैं, थोड़ा पीछे एक बार दिखाइए। ये पीछे जहाँ तक आप देख सकते हैं, ये पूरी सड़क है, कलेक्ट्रेट चौराहा है और जो समर्थकों का हुजूम है वो आप देख सकते हैं। आज इन्होंने नामांकन किया और ये चुनावी माहौल की तस्वीर भी आप समझ सकते हैं। राजस्थान में माहौल चुनावी हो चुका है और क्या यहाँ पर बीजेपी बनाम चंद्रभान सिंह आक्या या कांग्रेस बनाम चंद्रभान सिंह आक्या होगा, ये समझने की कोशिश करें। थोड़ा पीछे 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 थोड़ा पीछे 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 किन मुद्दों पर चंद्रभान हमारे बीच में रहकर जनता के बीच में ये जो बाहरी प्रत्यक्षाएं हैं उनकी जमानत जब्त होगी, इनके साथ कोई मुकाबला नहीं हमारा। एक तरफा जीत होगी और आने वाली 20 तारीख जो समय लड़ोगा उसमें लाखों की पब्लिक आएगी। चंद्रभान सिंह जी आक्या जो है बीजेपी में, उनका बीजेपी का जो उनका उनके साथ जो वो किया हुआ है, उनके साथ जो उनका जो टिकट कटा है, पहले 24,000 वोटों से जीते थे, इस बार हर गांव में हर पंचायत में 274 जो पंचायतें लगती है हर पंचायत में उनका काम होता है, हर पंचायत में उन्होंने काम करवा रखा है और इस बार वो 51,000 वोट से जीतेंगे। चित्तौड़ मांगे चंद्रभान। ये 10 साल से जो आदमी 24 घंटे जनता के बीच में उपलब्ध होकर और 10 साल से जो जनता की सेवा कर रहा था उसका गलत टिकट कटा, तो जनता ने निर्णय लिया कि अब जनता की तरफ से ये आदमी लड़ेगा और जब जनता ने सोच लिया तो ये जनता की तरफ से विधानसभा में जाके बोलेगा। लेकिन बीजेपी के साथ कल तक बीजेपी के साथ थे, बीजेपी में फिर बीजेपी नहीं साहब, कोई भी पार्टी है उसकी माँ जनता होती है, जनता की माँ पार्टी नहीं होती है, पार्टी की माँ जनता होती है और जब जनता ने बोल दिया कि यह जाकर लड़ेगा तो लड़ेगा। उम्मीद क्या है, उम्मीद क्या है, 10 साल वो विधायक रहे, कौन से काम अधूरे रह गए? सारे काम हुए और चित्तौड़ में एक भी लड़ाई दंगा हुआ नहीं हुआ 10 साल में, ठीक है। बाकी हर साल लड़ाई दंगे होते थे और चित्तौड़ में 10 दिन तक कर्फ्यू लगता था, इसलिए चंद्रभान जी को जनता चाह रही है और इस बार 51 पार है। क्या बाबा कुछ कर रहे हैं? अरे राजू साहब क्या सीतान का पास ही नहीं आया, हमारे ही कौन है, पास ही हमारे ही कौन है। ये ठीक है, पीछे 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 आप हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा, हाथ जिस उठाइएगा। हाँ बताइए बताइए। हम इनको वहाँ ढूंढने कहाँ जाएंगे सर, ये तो 24 घंटा हमारे यहाँ मिलते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार आप उनके बारे में कह रहे हैं? नहीं, चंद्रभान जी के लिए कह रहे हैं, चंद्रभान जी लोकल है हमारे यहाँ के और हमारे को 24 घंटा यहाँ मिलते हैं। हाँ सब जनता का अच्छा काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं सब। जनता की आवाज हम आक्या जी के साथ हैं और आक्या जी ने 10 साल तक बहुत मेहनत करी है और हर प्रचार करके लोगों को सब काम किए, दुख सुख सब में साथ दिया है। जनता का और जनता का काम है, जनता का चुनाव चंद्रभान जी नहीं है कि जनता लड़ रही है उनके लिए और जनता लड़ रही है। या तो फिर कांग्रेस या गहलोत सरकार ने जो काम किया क्या वो काम यहाँ पर नहीं, जो लोकल इशू तो है, हो रहा है सर, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जान प्यारी चंद्रभान, आपने मैं कह रहा हूँ कांग्रेस गहलोत सरकार ने कई जगह में गया, चिरंजीवी योजना और इन योजनाओं का जिक्र होता है, क्या चित्तौड़गढ़ में वो जनादल पे नहीं है? और यहाँ पर क्या है कि अगर राजस्थान का अगर कांग्रेस का आंकड़ा इन 5 सालों का उठा के देखे ना, तो भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, कई महिलाओं की हत्या कर दी गई, उनको जला दिए गए, उनके सामने कोई मामला नहीं उठा। इसलिए मेरा ये है कि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ दिखावा नहीं हुआ, जनादल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है और सिर्फ ये दिखावा और प्रचार से ये लोगों को क्या ना आकर्षित किया गया, बल्कि कांग्रेस सरकार के अंदर कोई समर्थन नहीं हमारा और हम अबर की बार चंद्रभान सिंह जी आज्ञा को यहाँ पर समर्थन देंगे और बिल्कुल निर्दलीय लड़ेंगे तो निर्दलीय समर्थन देंगे हम, बीजेपी और कांग्रेस किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं हमारा, हम जनता ही क्या नाम चंद्रभान सिंह जी के साथ में है। चित्तौड़ की जनता आज ये जो हमारे चंद्रभान जी आज्ञा का जो ये टिकट काट के और जो ये किया है, चित्तौड़ की जनता जो जयपुर में जो बैठे हैं उन सभी को उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर हम भेजेंगे
और ये हमारा स्थानीय उम्मीदवार है, अपना उम्मीदवार है, उसको जिताएंगे, विजय बनाएंगे। हाँ बोलो सर। मैं आम पब्लिक के सामने ये कहना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट प्रिंसिपल था, यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट ने जानबूझ के मेरा ट्रांसफर किया 400 किलोमीटर। 3 दिन बाद फोन आता है कि वापस आते हो तो हमारे कार्यकर्ता है उनसे मिल लो, और 2-2 लाख 3-3 लाख की मांग करी। इस तरह का भ्रष्टाचार इन गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने फैलाया। आज चंद्रमान जी के ऊपर 10 साल में कोई भी 1 रुपये का लांछन नहीं लगा सकता है। इतना स्वच्छ छवि का व्यक्ति है, आम लोगों के साथ जुड़ा रहता है, आम लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता है सर, समाज के लिए जुड़े हुए। और अभी इनका इसी वजह से उभरते हुए अच्छे नेता का टिकट जानबूझकर काटा गया है, लेकिन पूरी जनता आप देख रहे हो इनको और अधिक वोटों से देखा जाएगा, और अधिक वोटों से जिता के अच्छे आदमी को जब तक हम लोग नहीं भेजेंगे तब तक लोकतंत्र अच्छा स्वच्छ नहीं होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो चेहरा पीएम मोदी है, तो पीएम मोदी पर भरोसा है आप लोगों को? भरोसा है। मोदी जी के ऊपर हमारे को पूरा भरोसा है। लेकिन मोदी जी ने अच्छे काम किया ये भी हम मानते हैं, हम मोदी जी को भी मानते हैं, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने अपनी आपसी कॉलेज की लड़ाई यहाँ निकाली है, खुन्नस निकाली है। और जो 2 बार जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो 3री बार वापस विधायक बनकर एक मंत्री बनते थे, उनका टिकट आपसी रंजिश से काटा। फर्स्ट बात तो वो कहते हैं बाहरी बाहरी, तो वो अभी राजीव साहब को लेकर आए, तो वो बाहरी नहीं है क्या? राजीव साहब को यहाँ आए हुए 10 साल पहले आए, 15 साल हो गए, कोई नहीं जानता है। और इसका खामियाजा आलाकमान को भुगतना पड़ेगा, क्यों जो इन्होंने डिसीजन किया वो बिल्कुल गलत है। और आज जो जनता आई है वो दिल से चंद्रमान जी के साथ है, और इसका रिजल्ट जो 3 तारीख को आएगा वो आपको पता लग जाएगा, चित्तौड़ पूरे राजस्थान में इतिहास लिखा जाएगा चित्तौड़ विधानसभा का। क्या इसका असर मेवाड़ पर भी पड़ेगा? पूरे मेवाड़ पर इसका असर पड़ेगा। और हर चित्तौड़ की 4 सीटें हैं, कपासन, निम्बाड़ा, बड़ी सादरी और बेगू, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। 5 विधानसभा के साथ साथ मेवाड़ की 35 सीटों के ऊपर इस चीज का फर्क देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। मेवाड़ की 35 सीटों में से तो ऐसा नहीं है कांग्रेस बीजेपी है, हर जगह तो निर्दलीय नहीं है। हर सीट के ऊपर जहां से बीजेपी अभी तक अपना कैंडिडेट उतार रही थी और जीतने जा रही थी, हर सीट पे आपको देखने को मिलेगा ये विरोध। इसका असर ये होगा कि बीजेपी की हार होगी 35 सीटों पर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस हार नहीं होगी सर, बिल्कुल हार नहीं होगी, ये हार तो यही होगी बस, और दूसरी जगह मेवाड़ पूरी सीटें लेके आएगा बीजेपी के खाते में। बीजेपी के खाते में। तो आप लोग दिल से बीजेपी के साथ हैं ऐसा कह रहे हैं? पहले भी इलेक्शन में सर कपलानी साहब ने यहाँ झाला मैडम को टिकट मिला था, और उन्होंने यहाँ का टिकट काट कर कपलानी यहाँ से खड़े हुए, तो मेवाड़ की 5-6 सीटें थी वो सब गायब हो गई, और उसने वसुंधरा की सीटें चली गई, वसुंधरा की हार हुई उस टाइम पे। आज बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वो प्रत्याशी, जैसे कि यहाँ पर 272 बूथ हैं, एक भी बूथ अध्यक्ष को नहीं जानता है, गांव में कोई इनके पोलिंग पर बैठने वाला नहीं है, तो बीजेपी की यहाँ पर जमानत जब्त होगी 101%। यहाँ से चंद्रमान सिंह जी आके 51,000 वोटों से जीत कर विधानसभा जाएंगे। अब चित्तौड़गढ़ की बात हमने की, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सरकार किसकी बनने जा रही है? बीजेपी की सरकार बन रही है राजस्थान के अंदर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और हम सभी बीजेपी के ही हैं, असली बीजेपी ये यहाँ है। जिस प्रकार का चुनाव का ये वातावरण बना है, आज चित्तौड़गढ़ के देवतों ने भगवत ध्वज के तले श्री चंद्रमान सिंह जी आख्या का नामांकन दाखिल किया है। ये चित्तौड़ के देवतुल्य मतदाताओं ने मतदान किया है। जिस प्रकार की पार्टी की व्यवस्था थी, यहाँ जो लोग आए हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक कार्यकर्ता हैं, यही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने खून से इस पार्टी को सींचा है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से ऐसे कद्दावर नेता का, दमदार नेता का चित्तौड़गढ़ की जनता को इस प्रकार का दिन देखना पड़ा कि हमें पार्टी के खिलाफ ही फार्म भरना पड़ा। और हम विश्वास दिलाते हैं, जैसा कि पूर्व में कहा गया, 51,000 वोटों से हम जीत रहे हैं, ये चुनाव जीत रहे हैं, और ये चुनाव को चंद्रमान सिंह आख्या ने जीत रहा है, ये चुनाव जीत रहा है चित्तौड़गढ़ का एक एक कार्यकर्ता, चित्तौड़गढ़ का एक एक मतदाता। लेकिन पीएम मोदी अगर आते हैं चित्तौड़गढ़ में, पीएम मोदी राजस्थान में आते हैं, वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो मोदी तो गारंटी है? मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी से कोई भेद नहीं। वो बीजेपी उम्मीदवार के लिए कहेंगे? नहीं, हमें सिर्फ आपके लिए तो नहीं करें, चंद्रमान जी के लिए तो नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे। फिर भी चंद्रमान सिंह आख्या चुनाव जीतने के बाद भी वो पुनः पार्टी के अंदर ही जाएंगे, बीजेपी के अंदर ही जाएंगे, बीजेपी उनके वजह से यहाँ मजबूत है। और आदरणीय मोदी जी आएंगे तो मोदी जी हमारे राष्ट्र के नेता हैं, वो रहेंगे, लेकिन चित्तौड़गढ़ विधानसभा के नेता चंद्रमान सिंह आख्या है, थे और रहेंगे।
राजस्थान में और कौन से मुद्दे हैं? मैं अब चली चित्तौड़गढ़ की बात की, मुद्दे कौन कौन से? आप युवा हैं, आपकी नजर में हो सकते पेपर लीक, या क्योंकि गहलोत सरकार कह रही है साहब हम चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महंगाई राहत कैंप, 500 रुपए सिलेंडर, मुफ्त मोबाइल, ये सारी चीजें सुविधाएं दे रहे हैं, उन सुविधाओं का असर क्या राजस्थान की जमीन पर नहीं पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, राज्य सरकार ने जो लोभ लुभावनी अभी योजनाओं को लागू किया है, जो जिन जिन योजनाओं लोभ लुभावनी योजनाओं का अभी जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा की है वो राजस्थान की जनता समझती है। और पूर्व में हम जब देखेंगे, अगर इस प्रकार से मोबाइल फ्री देना था, राशन कुछ कम देना था, राशन में कुछ कटौती करनी थी, तो आदरणीय गहलोत साहब आज से 5 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे, उस समय वो काम करना था। जनता सब समझदार है। और रहा विषय तो राजस्थान के अंदर आज़ादी के बाद में अगर सबसे ज़्यादा कोई ठगा गया है तो वो युवा है। 23 बार पेपर का लीक होना कोई सामान्य घटना नहीं है। और उस पेपर लीक के अंदर भी गहलोत के मंत्रिमंडल का हो, चाहे उनके सिपे सलार का हो, उनके नाम आना ये कोई आकस्मिक ऐसी घटना नहीं है, ये सोची समझी चाल थी। उन्होंने एक प्रकार का धंधा खोल रखा था, तो राजस्थान की पुलिस का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने समय समय पर उसका पर्दाफाश किया। उसके बाद पुलिस को भी टारगेट गहलोत सरकार द्वारा किया गया। लेकिन मैं आपको अंत में इतना कहना चाहूँगा, जो आपका प्रश्न था कि राजस्थान की जनता समझदार है, वो वोट भारतीय जनता पगड़ी, ये राजस्थानी पगड़ी है ना, ये मेवाड़ के सिरमौर है। और जब आप हल्दीकाटी के युद्ध में ये क्षेत्रीय भावना जो गठबंधन है, बाहर के आदमी को जैसे संयोजित करोगे, आप कभी उनके संपर्क में नहीं आओगे, ठीक। और उसके बाद में आप एक दूसरा के संपर्क में आओगे, चाहे काम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, लेकिन अपना साथी है। पेपर लीक एक इशू इन्होंने उठाया है, पेपर लीक राजस्थान में कितना बड़ा इशू है, हालांकि राजस्थान सरकार के लिए आप लोग युवा भी हैं, कितनी कार्रवाई राजस्थान सरकार कहती है कि हम कार्रवाई कर तो रहे हैं, कार्रवाई तो हमने की है, कानून बनाया, केवल दिखावटी है। और गहलोत सरकार ने इतने कॉलेज और विद्यालय खोल दिए, पर उसमें पढ़ाने वाला भी कोई नहीं, केवल स्टूडेंट है। तो केवल ये गहलोत सरकार के दस्तावेज के रूप में खोल दिए, केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, यहाँ पढ़ाने वाला एक भी बच्चा नहीं है, ठीक है। इनके बच्चों के नाम पर केवल वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे वो, अगर टीचर नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? अगर आप वैकेंसी को पूरी नहीं करा पा रहे हो, आप वैकेंसी को पेपर आउट कर रहे हो, टीचर नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? सबसे बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ये पेपर लीक एक बड़ा इशू है गहलोत सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ लड़ाई चुकी निर्दलीय बनाम बीजेपी की बनती जा रही है, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार में जो काम हुए हैं उन कामों को जमीन पर नहीं बताया जा रहा है कि वो धरातल पर उतरी है, और साथ ही साथ पेपर लीक जैसे और करप्शन जैसे मुद्दे भी हैं। सरकार कैसी बननी चाहिए और सरकार कैसी बनती नजर आ रही है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे तस्वीर साफ हो रही है, राजस्थान में सरकार कैसी बन रही है, किस तरह से मिलीजुली बन रही है, या फिर किसी को बहुमत मिल रहा है? हमारे राजस्थान में सरकार देखा जाए तो एक तरफा बीजेपी की सरकार है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। कांग्रेस इस खौफ में ना रहें कि यहाँ पे जो सरकार बनने वाली है कि रिपीट सरकार हो जाएगी, यहाँ पे इंजन की सरकार थी ही और रहेगी। आज हमारे चित्तौड़गढ़ विधानसभा में सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हमारे चित्तौड़गढ़ की एक ही शान राजस्थान में सरकार को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। सरकार राजस्थान में मिली जुली बनेगी और उसमें हमारे चंद्रभान जी का सबसे बड़ा रूप आएगा। इससे देखने को मिलेगा कि हमारे चंद्रभान जी चित्तौड़ में क्या रूप दिखा रहे हैं। सरकार यहाँ पर है, कांग्रेस सरकार क्या रिपीट होगी जो यहाँ पे राजस्थान में? क्यों इसलिए नहीं होगी क्योंकि मतलब भ्रष्टाचार किया इन्होंने, पेपर लीक का मामला किया इन्होंने, बहुत सारे ऐसे मैटर है जो मतलब इन सरकार में हुआ है। जैसे चित्तौड़ में देखा जाए तो बजरी माफिया पूरा इनका गिरोह है, जैसे कोई भी काम होता है अनलीगल तरह से कराना, तो चित्तौड़ में दो बार हारी, तीसरी बार भी हारेंगे तो फाइनल है, कोई नहीं। यहाँ बजरी माफिया, हाँ माफिया दादागिरी चलाते हैं, इनके कार्यकर्ता हैं जो दादागिरी से बजरी माफिया है और दादागिरी से ही सब काम करते हैं। हाँ कांग्रेस वाले करते हैं ऐसे बजरी माफिया का काम। ये तो चल सबूत नहीं, तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी करप्शन के आरोप है, ठीक ठीक। सरेआम गुंडागर्दी चलती है इनकी, सरेआम चलती, इसी वजह से दो बार हारे हुए हैं, तीसरी बार भी हारेंगे राजस्थान में। लेकिन जातीय समीकरण क्या हावी है, क्योंकि गहलोत सरकार ने कहा कि हम आएंगे तो जातीय जनगणना करवाएंगे,
जाति भी एक मुद्दा है क्या? जातीय जनगणना का कोई रोल नहीं है इसमें। इसमें सर सर्व समाज मिलके ये गणना की बात कुछ हुई नहीं, उन्होंने घोषणा की है बाकी जातीय गणना का एक सेकंड जातीय मतगणना का जिस प्रकार से बिहार के अंदर वहाँ कर लोगों को कंफ्यूज कर वो सरकारें काम कर रही, ऐसा ही कांग्रेस पर देश पर काम कर रही है। लेकिन भारत का जो रहने का तरीका है, भारत के लोगों का, वो आपस में मिलजुल के रहने का तरीका है और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने इन प्रकार से किस धर्म के ऊपर टिप्पणी कर किस प्रकार से किस धर्म को दबाया जाए और किस समुदाय को खड़ा किया जाए, किसके खिलाफ इसके बात की जाए, इस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति सिर्फ राजस्थान ही नहीं पर देश भर के अंदर कांग्रेस कर रही है और इसका खामियाजाना राजस्थान चुनाव में तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। 2024 के अंदर भी कांग्रेस के सुपड़े साफ होने के पूरे आसार युवाओं के दम पर प्रदेश भर के अंदर दिख रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी आते हैं तो वो गारंटी की बात करते हैं, तो जवाब में कांग्रेस ने भी साथ गारंटी दी है, गारंटी इधर भी तो है। एक भी गारंटी तो सचिन पायलट ने भी जो पिछले साल दिए थे कि मैं 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करूंगा, उनका कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने केवल खोजले जो वादे किए थे उनके सारे वादे झूठे हैं और युवाओं के साथ में जैसे पेपर लीक का मुद्दा हो गया, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो गया, ये सारे जो कारनामे हैं काले कारनामे कांग्रेस के हैं। पुलिस माफिया की इनकी मिली ये पुलिस माफिया है वो सारे इनकी मिली जुली भगत है। और यहाँ के जो जो हारे हुए जो विधायक है जो हारे हुआ जो विधायक प्रत्याशी है, इसने लक्ष्मी नारायण की मंदिर भी इसने अपने कब्जे में ले ली थी, तो हमारे चंद्रमान सिंह आइके ने वहाँ पर जाकर वो मस्जिद वापस दिलाई। विधानसभा में मुद्दा उठाया उन्होंने और ये जो जमीन थी जो बिल्कुल ही हड़प ली इन लोगों ने कांग्रेस की दादागिरी से, इनकी सरकार थी जो मंत्री बनने के बाद यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस की जो सरकार राजस्थान में रही है इसमें राजस्थान में कांग्रेस सरकार जो रही है इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, महिलाओं के साथ अत्याचार करा है, खजनी बनन का ज़्यादा इसमें लूटमार किया है। और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर एक लक्ष्मीनाथ भगवान का पुराना बरसों पुराना मंदिर यहाँ पे बना हुआ, उसकी जो ज़मीन है इस कांग्रेस सरकार ने अपना दबदबा लगा के उस ज़मीन को हड़पने की कोशिश की थी, अपना उस ज़मीन के ऊपर नाम पट्टा किया, अपने नाम ज़मीन अपने नाम पे करवाई थी। लेकिन हमारी बीजेपी सरकार वापस रिपीट आएगी और कांग्रेस का सुपड़ा यहाँ से हाथ बिल्कुल एकदम साफ हो जाए। सुंदरा जी यहाँ पर हैं लेकिन वसुंधरा जी को सीएम बनते हुए लोग देखना चाह रहे हैं या फिर नया चेहरा? नया चेहरा देखना चाह रहे बाबा बालक क्यों अच्छा है योगी आदित्यनाथ जैसा आपको यहाँ पे पूरा सब मिटा की सरकार चाहिए राजस्थान में, जैसे यूपी के अंदर जैसे योगी जी ने बुलडोजर की जो सरकार चलाई है, इसी प्रकार हमारे राजस्थान में भी बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताकर यहाँ पे भी एक बुलडोजर की सरकार बनाएंगे, इंजन की सरकार बनाएंगे। बाबा बालकनाथ अब ये वसुंधरा हम ये नहीं चाहते कि कैसी भी गुटबाजी की सरकार बने, कि उसके कहने से वो चला गया उसके कहने से वो चला गया। हमें सरकार चाहिए प्योर बीजेपी की और सिंगल, ये इसका समर्थन कर दिया। अभी जैसे कांग्रेस सरकार थी एक दिन टूटने में 4 साल निकाल दिए, आज वो गया आज उस चला गया, वो मुख्यमंत्री बन रहा है उसको नहीं बना रहे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, सरकार चाहिए एक थंपिंग और वो बीजेपी की बनेगी। हम सारे कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे और हमें बीजेपी की सरकार ही बनानी है। लेकिन चित्तौड़गढ़ से हम चंद्रमान सिंह जी आज्ञा को जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। बाबा बालकनाथ का नाम यहाँ कैसे आ रहा है? बाबा बालकनाथ बाबा बालकनाथ कहाँ से आगे? बाबा बालकनाथ वो कट्टर सबसे पहली बात तो ये सांसद रह चुके हैं, अभी तो कोई प्रोजेक्ट नहीं रहा, इसलिए बालकनाथ जी को इसलिए चॉइस करते हैं कि यहाँ पे हमारा जैसे यूपी के अंदर कट्टर हिंदू है बिल्कुल वो योगी करें साथ रहते हैं, योगी जी जैसा काम कर रहे हैं ना वैसे बाबा बालक योगी मॉडल जो है हाँ योगी मॉडल अपनाना चाहते हैं। हत्याएं हो रही है राजस्थान में उसको उसके ऊपर रोक लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि योगी जैसा विकल्प राजस्थान में भी आए। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ बीजेपी की सरकार चाहिए। जैसे अभी कांग्रेस सरकार में हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ जैसे हमारे जुलूस बंद करवाए गए, डीजे बंद करवाए गए, हम ऐसी सरकार को कतई नहीं संभालेंगे। हम चाहते हैं बीजेपी सरकार बने और हिंदू धर्म को माने।
क्या क्या प्रश्न क्या सर प्रश्न क्या सर? बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा है। बिल्कुल बाबा बालकनाथ का नाम आना स्वाभाविक है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है। और चूंकि संघर्ष करने वाला आगे आदमी अगर प्रदेश का मुखिया बनेगा, चाहे बाबा बालकनाथ बने चाहे पार्टी और किसी अच्छे नेता को बनाए, सबके लिए हमें स्वीकार है। लेकिन मेन जो इशू है चित्तौड़गढ़, आप खड़े हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर, सरकार यहाँ से इतिहास रहा है, यहाँ का जो MLA होता है उसकी सरकार बनती है, यहाँ डबल रिपीट कुछ नहीं होता। वो रिकॉर्ड हमारे आदरणीय चंद्रमा सिंह जी ने तोड़ा, लगातार दो बार वो जीतते रहे, वो तीसरी बार भी 51,000 मतों से जीत रहे हैं और जीत के विधानसभा तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह एक जो एक समीकरण जो बन रहा है, हमारे यहाँ पे राजस्थान सरकार ने या तो महिलाओं पे अत्याचार करा है, या फिर यहाँ पे उदयपुर के अंदर हमारे बीच का जो जवान है कन्हैयालाल हत्याकांड, उसको भी अनदेखा करके इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है, जबकि होना चाहिए। उसको जिस बंदे ने उस कन्हैयालाल को जान से मारने की कोशिश की थी, जान से मारा है उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन कोई कांग्रेस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और लेकिन उनको सपोर्ट किया है। चलिए, तो ये चित्तौड़गढ़ से आपने देखा इलेक्शन एक्सप्रेस लाइव, और यहाँ पर चूंकि निर्दलीय के रूप में चंद्रभान ने उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, बीजेपी बनाम चंद्रभान, लेकिन सरकार बीजेपी की चाहिए, बाबा बालकनाथ के रूप में एक नए चेहरे CM के तौर पर लोग डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस में इतना ही, नमस्कार।